हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के एफटीजे से सुरेश कुमार कुशवाहा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों को आमले की बागवानी में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि इस समय जो आमला होता है उसमें इस समय फल खत्म हो जाते हैं और ना तो उसमें फूल होता है और ना ही फल होता है। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को आमले के पेड़ में ये देखना है कि जैसे ये सूखी टहनी लगी हुई है इसको इस समय काट कर तोड़ कर अलग कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा कार्य करने से हमारे पौधे में फसल में कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि इस समय ना तो फल होता है और ना ही फूल होता है। तो ये मौसम जो ये समय होता है बहुत ही उपयुक्त होता है और इस समय बारिश के मौसम में हमारा पौधा किल्ले भी बनाता है और ग्रोथ भी करता है। तो इसलिए अगर इसकी छटाई कर दी जाती है, सूखी लकड़ी टहनी से अलग कर दी जाती है, तो यह अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। तो इस बात का हमारे किसान भाई अवश्य ध्यान दें कि पौधे में लगी हुई सूखी टहनियों को अवश्य इस महीने में अलग कर दें, क्योंकि बारिश के मौसम में आंवला का पौधा है वो अच्छी तरीके से किल्ला बना सके और अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंवले के पौधों में बहुत ही सूखी टहनियाँ लगी हैं, इन्हें अलग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे हमारे आंवले का पेड़ अगली फसल में अच्छे से फल दे सके और अच्छा फल दे। जैसा कि ये सूखी टहनियाँ अलग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिससे किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, तो उसको काट कर अलग करना ही बेहतर होता है और हमारे डॉक्टर लोग ऐसा ही करते हैं। तो इसीलिए किसी भी पेड़ में अगर टहनी सूख जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे पेड़ से काट कर अलग कर देना ही उचित होता है। तो हमारे किसान भाई जुलाई के महीने में ये अवश्य ध्यान दें और सूखी लकड़ियों को पेड़ से काट कर अलग करने का कार्य अवश्य करें।